दोस्तों, हमारा इसरो जिस रफ्तार से स्पेस क्षेत्र में नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है, उससे कोई शक नहीं है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री जल्द ही चंद्रमा पर कदम रख सकता है। अगर भारत एशिया में सबसे पहले अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेज देता है तो भारत एशिया में अंतरिक्ष के दौड़ में सबसे आगे होगा, और इसकी तैयारी भी भारत कई साल पहले से ही कर रहा है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत साल 2022 तक अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। अगर इसरो का यह अंतरिक्ष मिशन सफल हो जाता है तो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की और गहराइयों में भेजने के लिए इसरो के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो गगनयान मिशन के कुछ ही सालों बाद हमें चंद्रयान 3 मिशन देखने को मिल सकता है, जो हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाने में सक्षम होगा। दोस्तों, मेरी बातें कुछ लोगों को मजाक जरूर लग रहा होगा, और जिनको मेरी बातें हास्यास्पद लग रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों हमारा इसरो एशिया में सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर नहीं भेज सकता है। हमारा वही भारत है और इसरो वही स्पेस एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह तक पहुँचने वाला एक अद्भुत कार्य करके दुनिया को चौंका दिया था, और आज भी भारत एशिया का एकमात्र ऐसा देश बना हुआ है जो मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंच सका है। जब इसरो के पास एक ही स्पेस मिशन में इतने सारे रिकॉर्ड हैं और इसरो ने एशिया में सबसे पहले मंगल मिशन को सक्सेस बना दिया है, तो इसरो एशिया में सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर क्यों नहीं भेज सकता है। दोस्तों, इसरो के सामने एक प्रॉब्लम जरूर है। इसरो को चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने में बाधा आ सकती है, वह है इसरो का इकोनॉमिकली कमजोर होना। हम सभी जानते हैं कि नासा के पास जितनी बजट है, इसरो के पास उसके आधे का आधा भी नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार नासा साल 2019 में 21.5 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करेगा, तो वहीं हमारे इसरो के पास साल 2019 में खर्च करने के लिए 1.8 बिलियन यूएस डॉलर ही है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन भी इसरो ने ढूंढ लिया है। इसरो ने मंगल मिशन को सिर्फ 73 मिलियन यूएस डॉलर में करके दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि यह खर्च पृथ्वी से मंगल तक जाने में आया खर्च बहुत ही कम खर्च है। यह खर्च कितना कम खर्च है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की एक फिल्म जिसका नाम ग्रेविटी है, उसको बनाने में ही 100 मिलियन यूएस डॉलर खर्च आया था। अमेरिकन सिर्फ एक फिल्म बनाने में ही 100 मिलियन यूएस डॉलर खर्च कर देते हैं, जबकि हम उससे भी कम खर्च में मंगल ग्रह तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हम इसरो पर क्यों नहीं भरोसा कर सकते हैं कि इसरो ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर विकसित कर लेगा जिससे हम कम बजट में ही अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेज सकें। दोस्तों, हम 132 करोड़ भारतीय यह सपना देखते हैं कि एक दिन हम भी चांद की धरती पर कदम रख सकें, तो इसमें बुराई ही क्या है। और हम सपने भी वही देख रहे हैं जिसे हम पूरा भी कर सकते हैं। अगर गगनयान मिशन के बाद इसरो यह अनाउंस कर दे के अब हम चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाले हैं, तो यह सुनकर दुनिया हैरान भी नहीं होगी, क्योंकि गगनयान मिशन के सक्सेस के बाद इसरो के पास अनुभव और तकनीक दोनों होगी, जिससे इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष के और गहराइयों तक भेज सकने में सक्षम होगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत एशिया का पहला ऐसा देश बन सकता है जो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को एशिया में सबसे पहले चंद्रमा पर भेज सकता है? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।